क्या कभी देखे हो कि तुम्हारे पास जो इवो बंडल है वो आसमान में उड़ रहा है इसके पहले? नहीं, लेकिन इस बार देखोगे, इस बार गेम के अंदर एक ऐसा इवो बंडल आने जा रहा है जो आसमान में उड़ सकता है। नहीं 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 ये नहीं हो सकता। नहीं भैया, इस बार ऐसा ही होने वाले है। मतलब इतना बढ़िया इवो बंडल आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा ना, उसके अंदर जो अदर आइटम्स दिए जाएंगे, लुक चेंजर हो, इवो बंडल का लुक हो, इवो बंडल के साथ दिया गया इमोट हो, सब कुछ दमदार है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा फुल इवो बंडल का रिव्यू कराऊंगा एंड साथ में बिल्कुल कन्फर्म डेट भी बताऊंगा किस कन्फर्म डेट में वो हमारे गेम के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, बात कर लेंगे और साथ ही में गाइस आज आपको दिखाऊंगा न्यू इवो पेट। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, इवो पेट, नॉर्मल पेट नहीं है, ये भी एक इवोल्यूशन पेट है, बताऊंगा आज वो भी। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोबरा बंडल के बारे में, गरना वाले कोबरा बंडल को आखिर कब बैक देने वाले हैं। वैसे तो मैं न्यू इवो बंडल कवर कर रहा हूं, तो क्यों ना साथी में ओल्ड इवो बंडल को भी कवर कर दिया जाए, इसलिए आज हम ये भी बताएंगे। ना देखो, ऐसी बात नहीं है, इस तरीके से कुछ और भी अच्छी बातें हम वीडियो के अंदर आगे बताएंगे, तो बस आप लोग देखते रहिए वीडियो को, सारे अपडेट्स हम विस्तार में वीडियो में भी बताएंगे। टू नाइट अपडेट क्या है आज के लिए, कल क्या कुछ न्यू इवेंट हमें अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, ये सब कुछ जानकारी शामिल है। खैर गाइस, वीडियो में आगे बात करने से पहले अगर आप लोग भी बिल्कुल फ्री में किसी भी एप्लीकेशन को लॉगिन करके पैसा अर्न करना चाहते हो या फिर फ्री में फ्री फायर का डायमंड से लेना चाहते हो, उसके लिए मैं सिंपली विंस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप लोग सिंपली लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। मजेदार बात यह है, यहां पर आप लोग को साइन अप बोनस देखने को मिलता है 50 रुपीज से लेकर 550 रुपीज तक, जिसको यूज करके आप लोग इजिली विंस ऐप के अंदर किसी भी गेम को खेल सकते हो। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पर एक न्यू मोबाइल नंबर देकर साइन अप करना है। याद रखना, अगर ऐसा काम कभी पहले की हो तो अपने मम्मी का पापा का किसी भी एक नया मोबाइल नंबर देकर ओटीपी देकर साइन अप कीजिएगा। बस शर्त यह है, न्यू मोबाइल नंबर होना चाहिए उनसे एप्लीकेशन के अंदर जब आप लोग लॉगिन कर रहे हो। एंड बाकी आप लोग यहाँ पर बहुत सारे, मतलब एक दो परमिशन मांगेगा, उसके अलावा आप लोग को यहाँ पर बहुत सारे गेम्स देखने को मिलेंगे। परमिशन को अलाउ करके आप लोग काफी सारे गेम्स यहाँ पर मिल जाएंगे जिनको आप लोग फ्री में खेल सकते हो, और उन गेम को खेलकर आप लोग इजिली अर्निंग कर सकते हो। देन चाहो तो तुम फ्री फायर में डायमंड टॉप अप करो और वो भी विंस ऐप से ही कर पाओगे, और तुम गूगल प्ले स्टोर का फ्री रिडीम कोड भी बना सकते हो विंस ऐप के थ्रू। सो मौका बहुत बढ़िया है फ्री रुपीज अर्न करने का हो, चाहे फ्री डायमंड कमाने का हो या फिर फ्री में गूगल प्ले स्टोर का रिडीम कोड लेने का हो, आपके पास सबका मौका है। जाओ डाउनलोड करो, एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अगर चाहो तो दोस्तों को रेफर करके भी अर्निंग कर सकते हो। और वैसे हाँ, मजेदार बात यह है, सबसे पहले हम कवर करते हैं टू नाइट अपडेट को ही। सबसे पहली बात यह है, कल आप लोग को होली स्पेशल गेम के अंदर एक न्यू मिशन देखने को मिलने वाले है। मतलब एनिमीज को डैमेज करना पड़ेगा, किल चाहे करो तुम ना करो लेकिन डैमेज करोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कलर अप योर प्रोफाइल, डील डैमेज टू विन। आप लोग को बस डैमेज करना पड़ेगा, जिसके बदले गोल्ड ऑयल का वाउचर फ्री में दिए जाएंगे और गन स्किन का क्रिएट फ्री में दिया जाएगा। एंड साथ ही में एक अवतार दिया जाएगा जिसके अंदर केली को रखा गया है, मतलब केली स्पेशल एक अवतार आपको फ्री देखने को मिलेंगे। तो रिवॉर्ड्स बिल्कुल फालतू है, बस कल गरना वाले छोटा सा इवेंट को देंगे। होली चल रहा है, अगर कुछ भी इवेंट नहीं आएगा तो हमें बढ़िया नहीं लगेगा, तो इसलिए गरना वाले बस कल गेम को चलाने के लिए, फिर तुम कह लो होली इवेंट को चलाने के लिए थोड़ा मोड़ा, इसलिए इस तरीके से फ्री के रिवॉर्ड्स कल आपको अपने गेम के अंदर दे दिए जाएंगे। मुझे इससे कुछ खास उम्मीद नहीं है और ना ही मुझे रिवॉर्ड्स बढ़िया लगा है, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टू नाइट अपडेट कवर करते हैं। दरअसल गाइस, ये है अपना इवो बोनांजा इवेंट जो कि आज आने वाला था, गरना वालों ने इसका एक दिन और आगे कर दिया है, इसलिए ये इफो बोनांजा इवेंट कल आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। सब कुछ मैं कल वाले वीडियो के अंदर बता दिया था, इसलिए आज मैं फिर से इसके ऊपर कुछ भी बताना नहीं चाहता, बस आपको इतना बता दूं जो इफो बोनांजा इवेंट आज अपने गेम के अंदर आने वाले थे वही इफो बोनांजा इवेंट कल आपको अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू आप लोग इफो गन को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक सवाल जो कि इस इवेंट को लेकर था, क्या हम इसके अंदर से गन स्किन बाय कर सकते हैं? जी नहीं, सिर्फ ये गन स्किन को अपग्रेड करने के लिए दिया जाएगा और आप लोग उन्हीं गन को अपग्रेड कर सकते हो जो इफो गन आपके पास पहले से अवेलेबल है। अगर कुछ इफो गन नहीं है फिर आप लोग इस इवेंट का कुछ भी काम नहीं लगा सकते। इसी के साथ में वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो बात कर लेंगे आने वाले गेम के अंदर एक न्यू इवो पेट के बारे में। शायद आप लोगों ने इसके पहले मुझे एक बार कमेंट किया था कि सनी भाई, क्या हमें अपने गेम के अंदर इवो पेट देखने को मिलेंगे? तब मैंने मजाक में कह दिया था कि गरना चाहे बनाए फिर ना बनाए, लेकिन हम अपने फैक्ट्री में जरूर बनाएंगे आपके लिए। भाई साहब, देख कर लग रहा है गरना वालों ने कुछ सच में सीरियस ले लिया है। मैं अभी बिल्कुल सियोर तो नहीं हूँ, बट ये जो चीज आपको दिखा रहा हूँ ये एक न्यू इवो पेट कुछ लीक्स की माना जा रहा है, कि जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, ये असल में एक न्यू इवो पेट होने वाले है जो कि अपने गेम के अंदर हमें दे दिया जाएगा। अब ये देखने पर तो ड्रैगन लग रहा है और ऑफिशियल ये ड्रैगन भी है, और नीचे लिखा गया है कि ये बरमुंडा रैंक एंड सीएस रैंक में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर ये इन गेम का कुछ न्यू चीज होता है, फॉर एग्जांपल गरना वाले इन गेम के अंदर कुछ चीज को ऐड कर रहा है ड्रैगन के रूप में, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि भाई ये आपके लिए एक न्यू इवो पेट हो जो कि बीआर रैंक सीएस रैंक दोनों में आप लोग यूज कर सकते हो। अगर पेट रहेगा तो हर एक मोड पर आप लोग यूज कर पाओगे, तो हो सकता है कि ये न्यू इवो पेट हो या फिर ये कुछ नया चीज हो, क्योंकि
करना इस बार अपने गेम के अंदर हमें देंगे आफ्टर OB44 अपडेट। अब देखते हैं इसके बारे में क्या कुछ डिटेल्स में निकल कर आता है, लेकिन अगर इवो पेट होगा तो मजा ही आ जाएगा। और अगर ऐसा स्किल होता है इवो पेट के अंदर कि ड्रैगन है आसमान में उड़ता रहेगा मेरे साथ साथ मेरा वाला पेट और एनिमीज को अपने मुंह से आगे निकल कर मार देगा, फिर यार मजे ही मजे। मैं तो बिल्कुल गन में नहीं गेम में यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यार मेरी पेट ही काफी है बंदे को मारने के लिए। मैं गुलवाल मार के चुपचाप बैठे रहूंगा, मेरा पेट सारे एनिमीज को मारता रहेगा, तो इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है बताओ। तो भाई देखो ऐसा है, फिलहाल तो जितने मेरे पास अपडेट आया था उसके अकॉर्डिंग आपको बताया हूँ। अब जरा हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं ये इवो पेट निकल कर होता है या फिर कुछ ऐसा चीज होता है जो करने वाले अपने गेम के अंदर हमें देंगे। बट फिलहाल तो बस एडवांस सर्वर का रजिस्ट्रेशन ही चालू हुआ है और कुछ नहीं है। 22 तारीख को रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा एंड अपना एडवांस सर्वर को ओपन कर दिया जाएगा और 17 तारीख के दिन अप्रैल महीने के 17 तारीख के दिन आप लोग को गेम के अंदर OB44 का अपडेट देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, देन आगे जाकर इसके बारे में बिल्कुल क्लियर जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिल जाएगा। तो आओ अब जरा हम फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोबरा बंडल के बारे में। सो यहां पर गाइस आपको मैं रिव्यू करा दे रहा हूं अपने कोबरा बंडल का। वैसे मैं इसको दिखा दूंगा उसके बाद ही फिर अपने न्यू इवो बंडल पर आ जाऊंगा। पहले हम रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। आप लोग यहां पर सिंपली देख पा रहे हो रिंग इवेंट के अंदर कोबरा बंडल को बैक दिया गया है, साथ में उसके कुछ आइटम्स भी आप लोग को यहां पर बैक देखने को मिला है। तो बेसिकली गाइस इस तरीके से आप लोग को अपने गेम के अंदर कोबरा बंडल जो है कुछ टाइम बाद ही बैक देखने को मिलने वाले हैं। और आप लोग इतना समझ लो एक ना एक इवो बंडल आपको अपने गेम के अंदर बैक दिया जाएगा, बिल्कुल 100% कन्फर्म समझ लो। चाहे वो कोबरा बंडल हो, बुइया डेका बंडल हो या फिर कुछ और अदर इवो बंडल हो, गेम के अंदर बैक आने वाले बिल्कुल कंफर्मेशन समझ लो। अब चांसेस ये भी है कि आपको कोबरा बंडल ही गेम के अंदर बैक देखने को मिले, साथ में उसके आइटम्स को भी बैक दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक रिंग इवेंट आता है तो उसके अंदर सिर्फ एक आइटम्स के लिए कोई भी स्पिन नहीं करेगा। वैसे भी कोबरा बंडल अगर अकेले भी आता है तो भी बहुत भाई लोग स्पिन करेंगे, लेकिन इससे करना का प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोबरा बंडल सिर्फ अकेला आएगा तो करने वाले को टोकन बहुत सारा देना पड़ेगा जो करने वाले नहीं करना चाहते। इसलिए आप लोग कोबरा बंडल देंगे एंड और भी अदर आइटम्स देंगे और साथ में टोकन देंगे, और इससे करने वाले को थोड़ा सा बढ़िया प्रॉफिट होने वाले बिकॉज नॉर्मली आइटम्स सबको स्पिन करने पर मिलेंगे और थोड़ा मोटा टोकन देखने को मिलेंगे, ताकि आप लोग को ज्यादा स्पिन करना पड़ेगा। फिर आप लोग चाहो तो टोकन से भी बंडल को एक्सचेंज कर सकते हो एंड कोबरा स्पेशल अगर आपको बस कोबरा बंडल पहले से होता है और उसके आइटम्स बाय करना है वो भी आप लोग कर पाओगे एंड हां ऑब्वियसली स्टोर के अंदर से एक्सचेंज भी आप लोग जो कर सकते हो कोबरा बंडल के आइटम्स को। खैर आगे बढ़ते हैं वीडियो में, आपको अब बताते हैं एक न्यू इवो बंडल के बारे में। तुम लोग शायद यही सोच रहे हो कि सनी भाई कोबरा बंडल कब आएगा, ये बताया नहीं, बताऊंगा भाई टेंशन ना करो, वो भी बताऊंगा। पहले हम न्यू इवो बंडल डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि कोबरा बंडल कब आने वाले हैं। देखो जो न्यू इवो बंडल है आफ्टर OB44 अपडेट आपको अपने गेम में देखने को मिलेंगे। कौन से इवेंट के थीम पर आएगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बट न्यू इवो बंडल आपको OB44 अपडेट के बाद देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग सिंपली यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो अपने न्यू इवो बंडल का, मतलब बहुत ही जबरदस्त ट्रेलर दिया गया है। बंडल के अंदर पीछे विंग्स दिया गया है, मतलब पंछी की तरह, ताकि बंडल आसमान में उड़ सके। और आप लोग यहाँ पर मेल बंडल देख पा रहे हो, मतलब जो मेन बंडल है अपना इवो बंडल, सबसे पहले हाथ के अंदर कुछ ऐसा इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो हाथ में पॉज करके आपको दिखा रहा हूँ, काफी बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं धीरे धीरे बंडल को अलग अलग पोज में स्टॉप कर दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो दो कलर देखने को मिलेंगे, एक येलो दूसरा पर्पल। जो पर्पल है वो कुछ ऐसा आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं, मतलब ये भी एकदम अलग चमगादार होता है ना, उसके वजह से कितना बड़ा उसका पर निकलता है, विंग्स निकलता है, वैसा आप लोग को इस वाले पर्पल कलर के बंडल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। अब इस तरीके से बंडल को मैं स्टॉप कर रहा हूं ताकि आप लोग पूरा बंडल आराम से देख सको। तो बेसिकली गाइस यही होने वाला है अपना न्यू इवो बंडल, काफी जबरदस्त तैयार किया गया है। बंडल का लुक हो चाहे एनिमेशन हो, देखकर तो भाई काफी खतरनाक लग रहा है। और ये जो न्यू इवो बंडल है ना भाई, ये अपने गेम के अंदर आएगा OB44 अपडेट के बाद, लेकिन इसके पहले आप लोग को एक इवो बंडल बैक दिया जाएगा। और गाइस सबसे पहले आप लोग तो कोबरा बंडल गेम के अंदर बैक देखने को मिलेंगे, देन ये जो न्यू इवो बंडल आपको मैं दिखा रहा हूं ना, ये फिर अपने गेम के अंदर आ जाने वाले हैं। अब मैं इसका एक लुक चेंजर दिखा दूं, वैसे तो आप लोगों ने पूरा बंडल देख लिया हो, जरा मैं लुक चेंजर दिखा दूं वो देखने में कैसे होने वाले। सिंपली आप लोग रिव्यू यहां पर देख पा रहे हो, इतना जो है बढ़िया लुक चेंजर दिया गया ना कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग को बंडल के अंदर दो कलर देखने को मिलेंगे, एक आप लोग को मिलने वाले येलो में, दूसरा आपको मिलने वाले पर्पल कलर में, और दोनों लुक चेंजर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, मतलब लुक चेंजर तो एक ही है, दोनों कलर आप लोग यहां पर देख पा रहे हो किस तरीके से अलग अलग कलर में ये लुक को चेंज करेगा, मतलब दोनों ही जबरदस्त दिया गया है बंडल के अंदर। खैर आओ गाइस अब हम जरा फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई के बारे में। तो बात करते गाइस फर्स्ट कमेंट के बारे में, बांग्लादेश सर्वर में होली रॉयल नहीं आया है तो हम क्या करें ये बताओ, बिकॉज बांग्लादेश सर्वर में आप लोगों को रमादान इवेंट देखने को मिलेंगे और रमादान स्पेशल आप लोगों को स्पेशल गोल्ड रॉयल देखने को मिलेंगे, होली स्पेशल नहीं दिया गया है। मुझे भी पता था कि ये नहीं आएगा, लेकिन बांग्लादेश पर आप लोगों को रमादान स्पेशल गोल्ड रॉयल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, होली पर नहीं आया है, रमादान पे आ जाएगा। खैर आओ गाइस अगला कमेंट देखते हैं, सनी भाई लोल इमोट कब आएगा। अब ये जो लोल इमोट है भैया, फिलहाल इसके बारे में कंफर्म जानकारी या फिर लीक्स तो नहीं मिला है, लेकिन नेक्स्ट इमोट पार्टी के अंदर ही आप लोगों को जो है लोल इमोट देखने को मिल सकता है। अब जब तक लोल इमोट भाई बिल्कुल कंफर्म होकर आता नहीं तब तक मैं क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक इमोट पार्टी के अंदर ही आप लोगों को जो है लोल इमोट देखने को मिल सकता है। खैर गाइस अगला कमेंट देखते हैं, मैं गया था मेले और मेले घूम के 11 बजे आया, फिर आपका भी मतलब फिर भी आपका वीडियो नहीं छोड़ा। तो सबसे पहली बात तो भाई थैंक यू सो मच दिल से इतना सपोर्ट और प्यार दिखाने के लिए। वैसे यार मेले में सुनता हूँ मैं
लड़की होता है, नहीं सॉरी मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, ऐसा है कि मेले में सुनता हूँ गाइस कि बहुत बढ़िया बढ़िया खाने का दुकान लगता है और वहाँ पर गोलगप्पे भी बेचा जाता है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आता है, नहीं मतलब ऐसा है कि तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं मतलब अगर कुछ मोबाइल का सेटिंग में दिक्कत आया है, नहीं मतलब अगर कुछ नंबर वंबर मिला है, मतलब ऐसा है कि भाई अगर कुछ, वैसे तो देखो मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, नहीं मतलब मैं ऐसा कुछ काम करता नहीं हूँ, अगर दो नंबर जुगाड़ किया हो मुझे भी एक दे देना, नहीं मतलब ऐसा है कि भाई देखो ये सब मांगना तो नहीं चाहिए लेकिन आदत से मजबूर हूँ मांग लिया हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो भूल चूक माफ गाइस, मैं बिल्कुल भी लड़की के बारे में नहीं कह रहा था, बस मैं ऐसा है कि नंबर मांग रहा था, तो मतलब कोई गलत मत समझना, नहीं मतलब मैं नहीं मांग रहा था, मेरे अंदर की आत्मा मांग रहा था, मैं तो ये सब काम बिल्कुल नहीं करता हूँ, बस मेरी बॉडी मेरे काबू में होता है आत्मा नहीं, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम जाते हैं फिलहाल आत्मा को काबू करने के लिए, टोटका वोटका सीखेंगे, एक कपूर धनिया, नहीं एक कपूर नहीं, एक किलो धनिया कपूर फिर अदरक बदरक सब लेके टोटका वोटका करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।